हेलो एवरीवन हमारी तीन ऐप है भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग योर फार्मेसी नर्सिंग मेडिकल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एच एंड एवरी एग्जाम थैंक यू वेलकम टू द फार्माकोलॉजी क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन सो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन से पहले हमने पढ़ा था कि फेजेस ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स हाउ ए ड्रग प्रोडूस इट्स एक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग देन फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मीन्स फार्माकोकाइनेटिक फेजेस देन फार्मा को डायनेमिक फेजेस सो इन तीनों फेजेस में जो है ड्रग जो है अपना ड्रग का एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है और ड्रग का जो एक्शन प्रोड्यूस होने के बाद जो है हमें जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो मिलने के बाद जो है जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन कहलाता है तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स क्या होता है आपका कोई भी ड्रग खाने के बाद जो है उसका जब पी के मीन फार्मा होने के बाद फार्माकोडाइनमिक होता है फार्माकोडाइनमिक में जब का जो है ड्रग और जो रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है उसमें जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स निकल के आता है जो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे होता है वो सटन प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैरी करते हैं जैसे कि स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन ऑफ सेल्स डिप्रेशन ऑफ सेल्स तो जो है सेल मोलिकुलर लेवल पे यहाँ जो है वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है स्टिमुलेशन जो जो यहाँ सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है सिंपल है सेल जो है यहाँ स्टिमुलेट हो रहा है तो दिस इज द स्टिमुलेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट सेल टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी और एनहेंस इट्स एक्टिविटी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एड्रीनलिन और बिटा रिसेप्टर उनका इंट्रेक्शन होने के बाद जो है हार्ट में आपका जो हार्ट रेट है वो है इनक्रंक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ जो है एड्रीनलिन एक ड्रग है और बीटा रिसेप्टर जो आपका हार्ट है हार्ट का एक रिसेप्टर होता है हार्ट सेल्स में जो जो बायोलॉजिकल मेमरेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं बीटा रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं तो वो बीटा रिसेप्टर और उसका ड्रग है एड्रीनॉल वो बैठने के बाद आपका क्या होता है बाइंड होने के बाद जो है हार्ट रेट जो है आपका इंक्रीज होता है ऐसे ही पिलो कार्पिन को लीजिए पिलोकारपिन जो है आपका पिलोकार्पिन आपका जो है सेलेवरी ग्लैंड में सेलेवा को सीक्रेट होने में यहाँ इंक्रीज करते हैं पिलोकार्पिन अगर आप पिलोकारपिन खा रहे हो तो जो है पिलोकार्पिन पिलोकारपिन आपका सेलेवरी ग्लैंड में जो है उसको जो सेलेवरी ग्लैंड का जो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं यार यहाँ जो है सेलेभा का सिक्रेशन हो रहा है तो यहाँ जो स्टिमुलेंट्स जो ड्रग drug, जो ड्रग्स सेल्स को स्टिम्युलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्टिमुलेंट ड्रग्स उसको समटाइम्स बोलते हैं यू पी पी ई आर अपर्स अपर्स बोलते हैं मीन्स स्टिमुलेंट्स ड्रग जो है दैट कैन दे परफॉर्मस दी आर द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग एंड दे प्रोड्यूसेस यूफोरिक इफेक्ट यूफोरिक इफेक्ट मीन्स जो जो आपका ब्रेन है जो ब्रेन सेल्स हैं वो जो है एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं ठीक है तो अगर बट ये इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो है अगर आप स्टिमुलेंट्स ड्रग एक्सेसिव अमाउंट पे ले रहे हो तो वो क्या करते हैं एक्सेसिव स्टिमुलेट करते हैं आपके सेल्स को और सेल्स को जो है डिप्रेस कर देते हैं आपके ब्रेन सेल्स को यहां मैंने लिया है कोकेन कोकेन स्टिमुलेंट ड्रग है सीनट स्टिमुलेंट बोलते हैं हम उसको तो सीनट स्टिमुलेंट और अगर आप कोकेन खा रहे हो तो एक ऑप्टिमम लेवल पे एक, एक, एक अप्रोप्रिएट डोजिंग पे खा रहे हो तो तो अपना अच्छा प्रोड्यूस मीन्स नींद आएगा आपका इंसोमिया ये सब नींद आने के लिए खाते हैं एक्चुअली ठीक है बट अगर इसको आप एक्सेसि एक्सेसिव डोज में लोगे तो ये क्या करेगा आपका जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक मीन्स आपका जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है आपको रिड्यूस अटेंशन आपका अटेंशन जो है वो रिड्यूस हो सकता है इनसोमिया हाइपरसोमिया मीन्स ज़्यादा नींद आएगा नींद भी नहीं आएगा तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन जो है आपको देखने को मिलता है तो मेनली जो कूकन है आपके नॉर्व सेल्स जो है ब्रेन का उसमें एक्ट करते हैं दिस इज ऑल अबाउट द स्टिमुलेशन इफेक्ट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेशन इफेक्ट सेकेंड प्रिंसिपल इज डिप्रेशन मीन्स आपका जो है सेल्स जो है ड्रग जो है आपका सेल्स को कैसे डिप्रेस कर रहा है यहाँ तो ये ये भी एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जैसे कि यहाँ जो है बोल रहा है डिप्रेस ऑफ स्पेशल सेल टू डिक्रीज इस एक्टिविटी एंड एबोलि एक्टिविटी मीन जो सेल्स का एक्टिविटी है उसको यहाँ डिक्रीज या एबोलिस हो रहा है ड्रग के वजह से जैसे कि बारबिच्यूरेट्स आप खा रहे हो तो ये जो है आपका नर्व सेल नर्व सेल जो है ब्रेन में आपका उसमें जाके रिएक्ट करता है तो जो ये बार्बिच्यूरेट्स से आपके ब्रेन को क्या करता है डिप्रेस कर देता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है तो आप जो है रिलैक्सेशन और स्लीपीनेस जो है ये बायोलॉजिकल रस्क जो है वो प्रोड्यूस होता है ये डिप्रेस होने के बाद बट अगर आप इसको हाई डोज में ले रहे हो बारबिच्यूरेट्स को तो आपको ये जो है बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है कोमा कोमा में भी आप जा सकते हो ठीक है तो दिस इज द मीन्स एट अ हायर डोज द बार्बिच्यूरेट्स मेक यू एट कोमा ओके ओमिप्राजल जैसे अब ओमिप्राजल क्या करते हैं इट्स डिप्रेट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्युएशन डिप्रेट्स हार्ट रेट दिज आर द डिप्रेशन इफेक्ट ऑफ ए ड्रग हा दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन यहाँ जो थर्ड फेज है इरिटेशन मीन्स ड्रग कैसे इरिटेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं उस, उस ड्रग को बोलते हैं हम इरीटेंट्स जो ये मेनली जो है इरीटेशन आपके जो है स्किन पे क्यूटानिय सेल्स पे जो है उस पर एक्ट करते हैं जैसे पिथिलियल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे एक्ट करते हैं ठीक है तो इरीटेशन मीन्स ए सब्सटेंस डेट कॉजस इन्फ्लामेशन ऑन द स्किन इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करना ठीक है तो जैसे हमारा एक इरीटेंट ड्रग हो गया ब्लियोमाइसिन ब्लियोमाइसिन जो है मेनली आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में देते हैं एक टाइप का कैंसरियस सेल रहता है आपके स्किन पे होता है एक्चुअली तो उसमें क्या होता है ब्लियोमासन खाने के बाद आपका ये सारे कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जैसे इन्फ्लामेशन लेकिन लाइक डार्केनिंग और थिकेनिंग ऑफ द स्किन इचिंग रेडनेस टेंडरनेस स्वेलिंग एंड एडेमा ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन आपके जो है स्किन में हो सकता है दिस इज द इरीटेशन इफेक्ट ऑफ द ड्रग एक्शन फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इज रिप्लेसमेंट ठीक है यहाँ रिप्लेसमेंट मीज सब्सट्यूट तो यहाँ जो है हम कोई भी डेफिशिएंसी स्टेट हो बॉडी में जैसे कि आपका डायबिटीज हो आपका पारिंग पार्किसोनिजिम हो डायबिटीज में आपका क्या होता है इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो वहाँ जो है हम आर्टिफिशियली इंसुलिन जो है वो लाके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए तो यहाँ जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हारमोन्स एंड देयर कंजुनर्स आर यूज इन द डेफिशिएंसी स्टेट ठीक है मैं एक एग्जांपल लिया है लेभोडोपा लेबोडोपा जो है ये डोपामाइन का जो है वो आपका मेटाबोलाइट है ठीक है तो ये आपका पार्किंसोनिज्म में क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन ठीक है तो आप जो है पार्किंसोनिज्म ट्रीट के लिए आप क्या ले रहे हो यहाँ दो, डोपा डो लेबोडोपा लेबोडोपा जो है आपका मेटाबोलाइट है तो आपका जो है इसको हम बोलते हैं लेबोडोपा को समे एंटी पार्किसोनी ड्रग ठीक है तो ये आपका मेटाबोलाइट हो गया नेचुरल मेटाबोलाइट फिर आपका जो है डायबिटीज़ में आपका जो है इंसुलिन अगर रिड्यूस हो जाए बॉडी में कम हो जाए तो हम जो है उसको एक ये हार्मोन को हम लेते हैं इंसुलिन बाहर से हम आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में जैसे कि एनेमिया हो गया आपका रेड ब्लड सेल जो है वो आपका डिग्रीज होने लगा तो क्या होता है हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं एज ए कंजेनर कंजेनर मीन्स सिमिलर कंपाउंड ठीक है जैसे कि सिमिलर आयरन जो है सिमिलर है आपके हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सेम कंपाउंड है हीमोग्लोबिन ठीक है दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन साइटो साइटोमीन्स यहाँ जो है सेल सेल को जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है सेल में जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन जो ड्रग है तो ये ड्रग जो है मेनली आपका ह्यूमन सेल या होस्ट सेल को कोई भी हैम्पर उस कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता ह्यूमन सेल में अगर आपको इन्फेक्टियस डिजीज हुआ है ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस बैक्टीरिया फंजी तो जो है वो डायरेक्टली जो साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं वो आपके डायरेक्टली आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ही अटैक करेंगे जैसे कि आपको कैंसर सेल भी हुआ है जो कैंसर सेल को ही टारगेट करेंगे ना कि आपका जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है होस्ट सेल है उसको आपका टारगेट करेंगे तो दिस इज द बिग अचीवमेंट हियर तो जैसे कि आपका पेंसिलिन जो है पेंसिलिन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो है अटैक करेंगे जैसे जीडोबोडिन है आपका एंटी वायरल ड्रग जो आपको वायरस बैक्टीरिया वायरस पे ही जाके अटैक करेंगे जैसे कि यहाँ साइक्लोफोस्पोमाइट आपका एंटी कैंसर ड्रग है वो मेनली टारगेट करेंगे आपके कैंसर सेल्स को ठीक है दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन थैंक यू